किशनगंज विधानसभा उपचुनाव सुर्खियों पर है और यहां पर एमआईएम उम्मीदवार की खड़े किए हुए हैं, क्योंकि एमआईएम के लिए एक टेलर साबित हो रहा है, क्योंकि 2020 में उसे विधानसभा चुनाव सभी सीटों से लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो अभी उपचुनाव चल रहा है इसमें भी कुछ प्रत्याशी को खड़ा किए हुए हैं और खास तौर पर किशनगंज सीट से कमल लोधा साहब एमआईएम के मैदान पर है। 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद यहां पर एमआईएम की टीम हौसले नहीं हारी थी, उसके बाद भी लोगों से मिलना जुलना और साथ पार्टी को मजबूत करना बना हुआ था। उसके बाद ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने सीमांचल सहित और बिहार के और जिलों में दौरा किया और कई कार्यक्रम भी किया और साथ में ये भी घोषणा किया कि अब पूरे बिहार से लड़ेगी। अब देखना यह है कि एमआईएम के लिए एक टेलर साबित हो रहा है कि किशनगंज की सीट अब किसके झोली में जाती है। लेकिन आपको अभी का जो हालात है वो अभी एमआईएम का टक्कर सीधे बीजेपी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद जो सीट खाली किए थे वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद यहाँ से चुने गए और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो माँ है उनको प्रत्याशी बनाया गया है और जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि एक परिवारवाद को देखते हुए लोग इस बार शायद वोट का बहिष्कार करेंगे। यही देखने को मिल रहा है कि उनके जो बहुत ही करीबी कार्यकर्ता है इस पार्टी के टिकट को लेकर के नाराज चल रहा था, जिस हालात से यहाँ पर लोग अभी गोलबंद हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब बड़ी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पर एमआईएम उपचुनाव जीते और यही उपचुनाव जीत पर यहाँ बिहार में एमआईएम टीम का एक टेलर साबित होगा और इससे एक बिहार में मैसेज भी जाएगा कि एमआईएम को लोग अब चुनने लगे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ एमआईएम काम कर रही है और कई वर्षों से काम कर रही है यहाँ के लिए। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार सदन में यहाँ के आवाज़ भी उठाए हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो या स्पेशल पैकेज का मामला हो, उन्होंने यहाँ के लिए लोगों के लिए लड़ा भी और साथ में बाढ़ में कई तरह से लोगों को मदद भी, मेडिकल कैंप हुआ और लोगों को मदद किया है, जिस वजह से यहाँ पर पार्टी बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। और यही है कि अगर सीमांचल में लोग यहाँ पर पसंद करते हैं तो आगे पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए इसके लिए एक वरदान साबित होगा। द मैसेज न्यूज़ से मैं नवेद आलम, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।